एट क्लास के स्टूडेंट्स बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा नाइट्रोजन साइकिल। इससे पीछे हमने कल रीड किया था, इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि चैप्टर वन का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वो भेजें, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें बच्चों, ताकि पूरी वीडियो में आपको समझ में आए जो आपको रीड करवाया गया है। 2.7 पे है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन गैस होती है एनवायरनमेंट में, 78% प्रेजेंट होती है, और वही नाइट्रोजन जो है अलग अलग कामों में प्रयोग होती है। जितनी नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में उतनी ही रहेगी। हाँ, वो अपनी फॉर्म जो है चेंज करेगी बार बार, कभी किसी फॉर्म में तो कभी किसी फॉर्म में। तो यहाँ पे रीड करते हैं हम इसको। आवर एटमोसफियर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लियाई एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। ये जो बातें आपको दिखाई दी हैं लिखी हुई, प्रोटीन का तो आपको पता है, न्यूक्लिक एसिड आपने नहीं सुना, शायद पहली बार सुना है, विटामिन्स आपने सुन रखा है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना पॉसिबल नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरह से मानो, और इन सभी में क्या है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस है, उसकी ज़रूरत है। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एनिमल्स, डायरेक्ट नहीं ले सकते उसको प्लांट्स और एनिमल्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में, नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ चीज़ें ऐसे बनाते हैं वो जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और उसका प्रयोग करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इन इट इन टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन टू दीज यूजेबल कंपाउंड्स, इट कैन बी यूटिलाइज बाई प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। कंपाउंड बन जाते हैं उसके, तो मिट्टी के अंदर जड़ें होती है जो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। प्रोटीन को बनाने के लिए और अलग अलग कंपाउंड्स के लिए यूज होता है नाइट्रोजन का। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जब पशु जो हैं खाते हैं, यानी कि ये प्लांट्स से बनी हुई कोई भी चीज़ है, हरा घास चारा जो भी खाते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है, तो वो एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है पशुओं के अंदर चली जाती है पेट में। उसके बाद दोबारा से जब जो काऊ डंग होता है, गोबर होता है, उसके द्वारा नाइट्रोजन दोबारा फिर जो है एनवायरनमेंट में आ जाती है। ये प्रोसेस है एक। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। एनिमल जानवर जो हैं या प्लांट्स जो हैं, जब मिट्टी में डाल दिए जाते हैं मरने के बाद, प्लांट्स तो सूख जाते हैं, पत्तियाँ वगैरह जो हैं, एनिमल्स जो पशु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मिट्टी में दबा देते हैं, तो बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या करते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस। कुछ पार्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जो वापस एनवायरनमेंट मिल जाता है जाके, और एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमोसफियर रिमेन्स मोर है और लेस कॉन्स्टेंट। क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहती है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। ये नीचे डायग्राम बनाया गया नाइट्रोजन साइकिल का, बच्चे उसको ध्यान से देखें। और इसमें एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, एरो का निशान जिस तरह गया हुआ है, देखिए इधर क्या हो गया हमारा, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स करेंगे उसको, या लाइटनिंग में चली जाएगी वो, बिजली चमकती है उसके द्वारा ही। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, और कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन द सॉइल जो हमने पढ़ा वही दिखा जा रहा है, प्लांट्स ने ले लिया या नाइट्रोजन वेस्ट है एक्सक्रेशन होकर वापस फिर मिट्टी में मिल गया है, तो दोबारा फिर वहीं पहुँच जाएगा वो। बैक्टीरिया को क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं नाइट्रोजन को गैसेस नाइट्रोजन में। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये आपने रीड करना है अच्छी तरह से। कुछ पॉइंट्स जो हैं, कीवर्ड्स हैं, ये आपने ध्यान से देखने हैं। यहाँ जो कुछ डेफिनेशन आपको दिखाई देंगे, इनमें पॉइंट पढ़ने हैं आपने, मेन मेन पॉइंट है आपने जो लेसन पढ़ा है, चैप्टर पढ़ा है, इसमें अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।
चैप्टर में सारी बातें आपको बता चुका हूँ मैं। तो ये आपने आज करना है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। जय हिंद।